नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच आई तलखी के बारे में। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, पठानकोट हमले के बाद ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है? देखिए, जब ये हाथ बढ़ा था तभी उस उठे हुए हाथ पर और दुश्मन से गले मिलने पर कई सवाल उठ खड़े हुए थे, और जिस शान के साथ हमने एक पठानी पगड़ी मियां नवाज शरीफ को उनकी नातिन की शादी के लिए भेंट की थी, और उस गुलाबी पगड़ी को जिस शान से उन्होंने अपने सिर पर सजाया था, पठानकोट के आतंकवादियों ने उस पगड़ी को न केवल ऊंचा हवा में उछाला बल्कि जमीन पर गिराकर उस पर खून के छींटे भी लगा दिए। वो उन 7 शहीदों के खून के छींटे हैं और उन 21 घायलों के छींटे हैं जो पठानकोट के हमले में हमारे यहाँ पर या तो शहीद हुए या घायल हुए। अब सवाल ये है कि आप जो पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं वो नहीं करें और शर्त भी रखें तो क्या केवल उन शर्तों से पाकिस्तान सुलझ, जैसा कि अभी हमने किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की भी बातचीत तब होगी जब पाकिस्तान, जो हमने सबूत दिए उनके आधार पर कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि ये जो सबूत हैं ये पर्याप्त नहीं है। आप देखिए, वो मोहम्मद अजमल कसाब, जिसके पाकिस्तानी होने के तमाम दावे हमने किए थे और कोर्ट तक में उसको साबित किया था, उसको लेकर एक पूरा पुलिंदा भेजा गया था पाकिस्तान उसके शरीर को, अब वो कह रहे हैं कि आप हमें आतंकवादियों के शव भी सौंप दीजिए। उस वक्त हमने अजमल कसाब को कहा था भेजने का, तब उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया। उसको आखिरकार हमारे तमामी अदालती कार्रवाई के बाद हमने फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की अजमल कसाब के पाकिस्तानी होने पर। वहां उसके द्वारा जो सारे, जिस तरह के हम अभी सबूत दे रहे हैं पठानकोट हमले में, वो हमने मुंबई हमले के वक्त अजमल कसाब को भी लेकर दिए थे। अभी पठानकोट में तो कोई जिंदा आतंकी हाथ में ही नहीं लगा हमारे, लेकिन तब की एक बड़ी उपलब्धि थी और वो तुकाराम ओंबले को हम सलाम करते हैं जिसकी वजह से ये अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। तो क्या तब हमने सबूत नहीं दिए थे पाकिस्तान को? क्या सबूत दे देने भर से पाकिस्तान ये मान जाएगा कि आतंकवाद उसके यहां से आता है, उसकी धरती से आता है? कौन से सबूत चाहिए, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कौन सी निर्णायक कार्रवाई करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी भी हमले के बाद जब पाकिस्तान का हाथ होने की बात करते हैं और पाकिस्तान की नाम की दुहाई देते हैं, तो हम पाकिस्तान से असल में चाह क्या रहे होते हैं? हम ये चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान अपनी धरती पर पनपने वाले आतंकवाद को काबू में कर ले, अपने यहाँ पर हाफिज जईद जैसी ताकतों को ठीक कर ले और अपने सेनाध्यक्ष राहील शरीफ जैसे लोगों को उनके मंसूबों के साथ वहीं पर निस्तनाबूद कर दे। अब आप खुद सोच कर देखिए कि क्या ये संभव है? क्या पाकिस्तान इस तरह सुधर पाएगा? और नहीं सुधर पाएगा, और नहीं सुधर पाएगा तो हमारे पास क्या विकल्प मौजूद है? हमारे पास विकल्प ये मौजूद है कि हमारी सीमा में जो छेद हुए हैं, सुराख हुए हैं, हमारी सीमा में जो पोर बने हैं, जिन पोरों के बीच में से रिस कर इस तरह का आतंकवाद, हथियार और नशीले पदार्थ इस देश की सरजमी में घुसने में सफल हो जाते हैं, उनको हम कैसे रोकें? जो जयचंद और मीर जाफर आज एक एक दो दो नहीं सैकड़ों की संख्या में हो गए हैं, ISI के लिए जासूसी करते हुए जो लगातार बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, एक बड़ी तेल कंपनी का अधिकारी राजस्थान में पकड़ा गया, अभी एक एयरफोर्स का कर्मचारी ही पकड़ा गया जो ISI को सारी सूचनाएं भेज रहा था, पाकिस्तान को सारी सूचनाएं भेज रहा था। दिक्कत यह है कि अगर अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं दे सकते आप। मुझे लगता है बड़ी समस्या यह है कि अपने इस देश को सुरक्षित रखने की जो बड़ी चुनौती है उसमें हम पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हो पा रहे। आप देखिए कि अभी जो वहां के गुरदासपुर के SP हैं सलविंदर, उनके भी सारे बयान जो है लगातार संदेह के घेरे में है। आप बताइए कि वो उस दरगाह पर आज उस दिन 31 दिसंबर के पहले कभी नहीं गए थे, क्यों गए? वो दरगाह 8:30 बजे बंद हो जाती, उसको खुला रखवाया गया और वो वहां गए। जिस जगह पर उनको अगवा करने की बात उन्होंने बताई है और गाड़ी मिलने की बात बताई है, वो जगह उस दरगाह से चंद किलोमीटर की दूरी पे है और उसमें मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं दरगाह से वहां पहुंचने। वो कहते हैं 9:30 बजे दरगाह से निकले, दरगाह का जो चौकीदार है उसने खुद बताया कि यहां से 9:30 बजे करीब वो निकल गए हैं, रात 11:30 बजे वहां पहुंचने की बात आ रही, 2 घंटे वो क्या कर रहे थे? तो अभी और भगोड़े को उन्होंने पकड़ा है सेना के लोगों ने, उसने बताया कि BSF के लोग शामिल हैं और BSF के लोगों की मदद के बिना हम लोग नहीं आ सकते, और BSF के लोग न केवल हथियारों की और नशीले पदार्थों की तस्करी करते हैं बल्कि सीमा पर घुसपैठ। तो ये कितने गंभीर चीजें हैं। आप सोच रहे हैं कि उनकी सीमा में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की, उस पर तो आप पूरा काबू कर लें, उसको नियंत्रण में कर लें, लेकिन अपने घर में जो गलत हो रहा है उसको नहीं रोक पाए। सवाल यह है कि अगर
एक राष्ट्र के रूप में खुद को महफूज रखने की जिम्मेदारी हम पर आन पड़ी है, तो हमें उस जिम्मेदारी को बिना लाग लपेट के, बिना किंतु परंतु के निभाना होगा। हमें उस राष्ट्रवाद की अलख को मजबूती से जगाना होगा जो इस तरह के घुसपैठियों को घुसने नहीं दे। हमें इस तरह के राष्ट्रवाद को पैदा करना होगा जिससे इस तरह लोग ISI के लिए पैसे की मजबूरी के चलते या कोई भी, क्योंकि मजबूरी नहीं हो सकती, राष्ट्र को बेचना, एक गरीब आदमी जिसके तन पर ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं है तो भी वो इस राष्ट्र के लिए प्रेम करता है, प्रेम रखता है, यह अवधारणा अगर हमारी है राष्ट्र राज्य की, तो फिर हमारे राष्ट्र में इस तरह के जो गद्दार हैं उन गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और वो गद्दार न बने, गद्दारी न पनपे, उसके लिए हमने क्या किया है, अपनी व्यवस्था को कैसे हम चाक चौबंद करें। इतनी हमारी नाक के नीचे से जालसाजी हो रही है, घुसपैठ हो रही है, उसको रोकने के लिए हमने क्या कसा है, क्या किया है। गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी को निभाए बिना हम केवल पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गलती है, पाकिस्तान की गलती हम आज नहीं बरसों से गिना रहे हैं, उसको देख कौन रहा है, सुन कौन रहा है, मान कौन रहा है। यदि जी, अब तो नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे और हमारी विदेश नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये सवाल पहले भी उठते रहे, यही नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे, जब चुनावी प्रचार में लगे थे, तब वो कहते थे कि हम एक के बदले में 10 सिर काट कर लाएंगे, आप पाकिस्तानी लोग सिर काट कर ले जाते हो और उनको यहाँ पर जयपुर में बुलाकर बिरयानी खिलाते हो। विपक्ष में रहते हुए ये सारी बातें कहना, इस तरह के हवाले देना बहुत आसान है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं, कुर्सी पर बैठे होते हैं, आपको कूटनीतिक और रणनीतिक मजबूरियां समझ में आती हैं और तब आपको काबुल से अचानक लाहौर उतरकर नवाज शरीफ के घर पर जाकर उनसे गले मिलना होता है। ये कूटनीतिक दृष्टि से अगर आपने किया है तो आपको ये भी मानना होगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और उससे संबंधित विदेश नीति जो है वो उतनी आसान नहीं है जितनी मंचों के भाषणों में दिखाई देती है। दरअसल उसके बहुत गहरे अर्थ हैं, निहितार्थ हैं, और उन निहितार्थों को समझते हुए हमें ये देखना होगा कि एक तरफ तो हम पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाएं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनको नंगा करें, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम सभी उनके सरमाएदारों को भी ये मानने के लिए मजबूर कर दें जिन लोगों की सरपरस्ती के बीच पाकिस्तान में इस तरह का आतंकवाद पनप रहा है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप के चंद देश हो। हम सब जानते हैं कि अमेरिका की शह के बिना पाकिस्तान आज वो नहीं होता, उस हालत में नहीं होता जिस हालत में वो आज है। हम ये जानते हैं कि पिछले चंद सालों में चीन की घुसपैठ जिस तरीके से, खास तौर पर हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में, वहां पर चीन ने जिस तरीके से निर्माण कार्य किए और उन निर्माण कार्यों की आड़ में अपने गुप्तचर, जासूस, सैनिक वहां पर स्थापित किए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और उस चीन को और उस अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दबाव डालकर हाफिज सईद की जो वहां पर आतंकवादी घोषित कर उसको प्रतिबंध लगाने में सबसे बड़ा रोड़ा, आप जानते हैं कि अमेरिका नहीं है, चीन है। चीन हर बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस बात को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति है उसमें हमारी विदेश नीति कैसे कामयाब हो, वो हमारी कूटनीतिक और रणनीतिक जिम्मेदारी है। इस बीच देश के भीतर हमारी सरहदें मजबूत रहें, सरहद के भीतर कोई आने ना पाए, और सरहद के भीतर जो हिंदुस्तानी हैं वो पाकिस्तान के छलावे में, बुलावे में, दिखावे में नहीं आए, ये दोनों बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके लिए भी कहना आसान है, आपको पता नहीं है कि कौन किस तरीके से कहां जाल में फंसकर कहां आपकी सूचनाएं बेचने लग जाएगा। इसीलिए आपको सदैव चौकन्ना रहना होगा, ऐसी व्यवस्था कायम करनी होगी कि कोई भी इस तरह की हरकत में शामिल हो तो वो तुरंत हमारी नजर में आ जाए, हमारी पकड़ में आ जाए, फिर वहां के लोग चाहे जितना सिर उठा लें, हमारे यहां पर आंख उठाकर नहीं देख सकते। क्यों नहीं हम आतंकवाद का अमेरिका और इसराइल की शैली में जवाब देते हैं, ये लगातार बात होती रही है। देखिए 9/11 को जो हमला हुआ उसके बाद की सच्ची हकीकत तो यही है कि अमेरिका में कोई बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हो पाया। इसका मतलब ये नहीं कि आतंकवादी हमले की कोशिशें नहीं हुई, कोशिशें बहुत हुई हैं, लेकिन उनकी शक्ति देखिए कि हमारे यहाँ का पूर्व राष्ट्रपति जाए या हमारे यहाँ का बहुत बड़ा फिल्म स्टार जाए या आम आदमी जाए, सबकी उतनी शक्ति से चेकिंग होती है। कपड़े उतरवाकर भी चेकिंग कर लेते हैं, जूते खुलवा लेते हैं, बेल्ट खुलवा लेते हैं, और ज्यादा उनको शक शुबा होता है तो एक घंटे तक बिठा लेते हैं, आपको कितना जरूरी काम हो। ये भी होता है कि उनको अगर तसल्ली नहीं होती तो वो उनकी सीमा में घुसने नहीं देते, आपको उसी हवाई जहाज से वापस भेज देते हैं। तो आपके यहाँ पर इतनी शक्ति है क्या? आपके यहाँ पर तो नाव में बैठ के आते हैं और बंबई पर हमला कर देते हैं, आपके सड़क के रास्ते आते। गुरदासपुर में जो किया गया था जुलाई में, वो दरअसल पठानकोट के हमले की रिहर्सल थी। उन्होंने जानने की कोशिश की थी कि पंजाब के जरिए अंदर घुसकर इस तरह का कोई हमला किया है। वो गुरदासपुर गए थे लेकिन निशाना तब भी पठानकोट था, ये बहुत बड़ी बात है। और जब वो असल में पठानकोट में आए तब भी हम उनको नहीं रोक पाए। तो गुरदासपुर से जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच हमने क्या किया? वो किसी भी रास्ते से आते हैं, घुस जाते हैं। वहां इसराइल में आप जाकर देखिए, परिंदा पर नहीं मार सकता। वहां अमेरिका में जाकर देखिए, 10 साल हो गए, 11 साल उन्होंने कोई हमला नहीं होने दिया। तो इससे आखिर हम सबक कब लेंगे? इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या लगता है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते और आगे बढ़ाए जाने चाहिए? देखिए, रिश्ते तो बढ़ाने होंगे, बातचीत तो करनी होगी, किन शर्तों पर, कितनी सख्ती के साथ, कौन से कूटनीतिक, राजनीतिक, राजनयिक दबावों के बाद, ये सब उन लोगों को तय करने दीजिए जो इसकी विशेषज्ञता रखते हैं, महारत रखते हैं। सुझाव केवल यही दिया जा सकता है,
कि अब कोई ऐसा कदम जरूर उठाना होगा जो दिखाई भी दे और जिसकी जमीनी स्तर पर भी कोई ना कोई हरकत हो। ये नहीं हो सकता कि आप बात करें, फिर से बातचीत की टेबल पर आ जाएं और पुराने दागों को और घावों को हम भुला दें। ये आसान बात नहीं है कि आप पाकिस्तान में इस तरह की आतंक की फैक्ट्री चलाएं, वहां पर बैठे हुए लोग जब पठानकोट पर हमला हो रहा हो तो जश्न मनाएं, उसकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं, उसके बातचीत के टेप भी सामने आए, और वो हाफिज सईद हो या ये मसूद अजहर हो, वो मसूद अजहर जिसको हमने ही इतनी बड़ी कीमत चुकाकर यहां से वापस भेजा था, वो मसूद अजहर हमारे खिलाफ इस तरह का जहर उगलता रहे, आतंक की आग वहां पर पनप, इस तरह से खेती होती रहे और हम यहां पर चुपचाप बैठे तमाशा देखते रहे, ये नहीं चल पाएगा। हमको विश्व के कूटनीति के स्तर पर, पाकिस्तान से आपसी संबंधों के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर उनको बेनकाब करना होगा, उन पर दबाव बनाना होगा। बातचीत का रास्ता आप पूरी तरह बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप दबाव और शर्तों के आधार पर उनको बातचीत के लिए मजबूर जरूर कर सकते हैं। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे भारत पाक रिश्तों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।